वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू स्पेशल वंस अगेन। कल वाला व्लॉग और मैगी दोनों बढ़िया नहीं बने थे। ये दोनों मैगी मैडम को पसंद नहीं आई, व्लॉग लोगों को पसंद नहीं आया। यानी यह होता रहता है, बट डेली व्लॉग डालना है, कंटिन्यूटी मेंटेन रखनी है। पापा व्लॉग करते जब तो शोर ना मचाया करो, समझाओ इनको कुछ यार। देखियो चलो, अभी मैम कह रही है कि हमें जाके आना है गोडाउन, सुबह सुबह कोई काम आ गया है। तो हम तो ड्राइवर आदमी है, कहीं भी चल देते हैं साहब झोला उठा के। कुछ भी कहो यार, ऑल टेरेन लगते रोबस्ट हैं। हाँ मतलब थोड़ा सा वैसे अजीब से लगते हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे बहुत पसंद है। 5 किलोमीटर रेंज बची है। 5 किलोमीटर? बस 5 किलोमीटर चलेगी इतने तेल में? चली जाएगी, इसमें रिजर्व होता है, काफी होता है। इसको मैं हिसार ले जाऊँ इतने तेल में, बात कर रही हो। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और आप उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप बता रहे हैं कि यार उसने ऐसा किया तो इसकी वजह से वो हो गया, यार मुझे समझ नहीं आया क्या बोला आपने, उसने ऐसे किया तो इसकी वजह से वो हो गया, आई एम सॉरी मैं समझ नहीं पाया क्या यार, तुम्हें इतनी सी बात नहीं समझ आती, तुम कैसे बंदे हो, तुम्हें जब 3 बार बोल दिया जब उसने ऐसे किया तो वो हो गया, अरे देवता किसने कैसे क्या कर दिया और जिससे वो हो गया, तो गुस्सा नहीं करो ना आप। ये इस बात पे गुस्सा हो रही कि मुझे उसने वो किया तो ये हो गया, ये समझ नहीं आ रहा। और बाहर बरसात हो रही, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ये देखो, ओह हम अभी आए हुए हैं यमुना के तट पर और इससे आगे पड़ता है यूपी बॉर्डर। और अगर आप लोगों को याद होगा तो एक बार अपनी गाड़ी फंस गई थी इनोवा, वो गाड़ी फंसी थी एक तो ये वाला कॉर्नर आपको दिख रहा है जो नदी का जो वो वाला कॉर्नर है उस तरफ, वहाँ पे हमारी गाड़ी फंसी थी किसी वक्त। तो पहले नदी उससे उधर चलती थी, अब वो घूम के इधर आ गई पिछले 2 सालों से, और यहाँ पे नहाने धोने का इंतजाम हो गया है। यमुना में बेसिकली क्या है, जब हम यमुनोत्री गए थे तो पानी भाई साहब जैसे गंगा का साफ है ऐसे ही यमुना का साफ है, सिक्का फेंको 20 फुट भी नीचे दिखेगा आपको। यहाँ पे तो बारिश की वजह से मुझे लग रहा है यही कहने वाली थी कि साफ है अब तो पानी। अच्छा नहीं नहीं, जनरल बात कर रहा हूँ, अभी साफ है या फिर वो एक्वा वाटर है वो बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जितना गंदा यमुना को कर रहे हैं ना, इतना किसी को नहीं कर रहे हैं। पहले सरस्वती खत्म हुई, अब यमुना का नंबर है, एंक्रोचमेंट करे जा रहे हैं। अब यहाँ तो फिर भी थोड़ा ठीक है, लोग इतना वो नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज दिल्ली साइड में तो थोड़ा सा मिट्टी डालेंगे फिर उसके ऊपर घर बना लेंगे, थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे उसमें फैक्ट्री बना लेंगे। अब निकलने की जगह तो छोड़ो, जिस दिन फ्लश जो फ्लैश फ्लड्स आते हैं वो अगर आ गया तो सब ले जाएगा साथ में। बट एक चीज़ है, यहाँ शांति बहुत है। मेरा पहले मन था कि यहाँ पे ना फार्म हाउस लेने का, तो ऐसे यमुना के साथ में कि एक छोटा सा खेत लेके आधा किला, उसमें एक झोपड़ी सी बना के बाबा बन के बैठ जाओ वहाँ पे, कोई आए हेलो निरंजन बाबा वाल लिख फलो डॉक्टर बाबा। भाई लोग हम इधर ले तो आए, अब यहाँ पे है कीचड़ और यहाँ से बैक कर रहा हूँ तो गाड़ी बैठ रही है बार बार, मुझे लग रहा है डर। क्योंकि अब मैं उतर के और टो लेके आने का और वो मेरा मन नहीं ठीक है, तो भाई ट्राई करते हैं। ओ भाई साहब हाँ तो गए, वापस कैसे जाएंगे यहाँ से? वो पीछे रास्ता नहीं था वो जो खान के उसका था खेत का रास्ता, नहीं ट्राई करते हैं यहाँ से मोड़ने की। अरे ट्रैक नहीं उतर ही नहीं रही, बाहर नहीं निकल रही ट्रैक से। तुम मेरे को डराओ मत। अरे डरा नहीं रहा है मैं यार, मैं काहे को डराऊंगा तेरे को। ओ भाई साहब यहाँ से मोड़नी पड़ेगी अपने को, वापस वैसे ही जाना पड़ेगा। तो और कौन सा रास्ता है? अरे यार पंगा ले लिया सुबह सुबह, क्या करें। मैंने कही थी हैं
मैंने कही थी मत चलो। नहीं स्पीड में मेरे ख्याल स्पीड भाई साहब ओल्टर है निकाल दिया, दूसरे उधर बैठे पाते। एक काम करते हैं ऐसे स्पीड में बैक लेते हैं तभी निकल पाएंगे यहाँ से। बैक तो कभी नहीं निकलना, मतलब मोड़ते हैं ना और स्पीड में जाएंगे यहाँ से, सामने कोई आ गया तो फंस जाएंगे नहीं फिर निकल जाएंगे। अगर ये कोई बाहर से शॉट बना रहा होता ना तो भाई साहब कत्ल आता। हमेशा अपने को TRC ऑफ रखना चाहिए ऐसी जगहों पे, क्योंकि जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल आप लगाओगे बॉस ये गाड़ी बैठ जाएगी, और अभी इधर भी खतरा है, गाड़ी स्पीड में ही निकालनी पड़ेगी। ले प्रभु का नाम। ए, 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 ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, भाई साहब पावर की कमी नहीं है गाड़ी में, सिर्फ टायर से मार खाती है गाड़ी, टायर और थोड़ा सा पेट टिका देती है, अदरवाइज ओहो हो कीचड़ जो देख रहे हो ना आप, नॉर्मल गाड़ी निकलना भाई साहब बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। यहाँ ट्रक निकलते हैं जो कीचड़ देख रहे हो ना आप, ओहो हो इसलिए अलग सी है मेरे को, जब इनोवा निकल रही है तो अलग सी क्या जरूरत है। जी से आ गए भाई साहब सुबह सुबह ऑफ रोडिंग का समझ आ गया। लो जी पहुंचा दिया आपको। अरे रुक नहीं रही ब्रेक में पानी चला गया मस्त भर गई भाई साहब मिट्टी की, और पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया, सुना ना बोलते ना गर्दा गर्दा हो गया, कीचड़ कीचड़ हो गया पूरा ये। ओहो हो नंबर प्लेट तो नज़र ही नहीं आ रही है, बहुत बड़े उससे निकले थे यार, पता नहीं कैसे से निकल गए, एक बार तो मैं भी घबरा गया था कि फंस गए आज। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती बस, जब मान लो मैं इस गाड़ी के पीछे जा रहा हूँ या मैं किसी भी गाड़ी के पीछे जा रहा हूँ, मैं अगर हॉर्न दे रहा हूँ दैट मीन्स आई नीड साइट, मुझे साइट चाहिए, या फिर वो अलर्ट नहीं है, या फिर वो फ़ोन पर लगा हुआ है, कुछ गड़बड़ है। और जैसे मैं हॉर्न दूंगा कुछ दूंगा तो लोग अपनी ईगो पर ले जाते हैं, वो देख भी लेते हैं रियर व्यू मिरर में, ओआर व्यू में दिख जाता है कि हाँ बंदा साइड मांग रहा है और उसने देख लिया मुझे, मतलब मैं अगर सामने वाले को देख सकूँ तो मुझे पता लगता है देख रहा है, बट वो अपनी ईगो पे लेके या फिर किसी कारणवश वो साइड नहीं देता है। और ये उन्हें लगता है कि ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो मैं बता दूँ ये रोड सेंस नहीं है, दिस इज़ इल मैनर्स, और इसमें उनकी कोई शान नहीं बढ़ रही है, इसमें उनकी इंसल्ट ही हो रही है। प्लीज़ अवॉइड दिस काइंड ऑफ सिली थिंग्स। मुझे जब भी कोई साइड अगर मांगता है तो मैं पटाख से साइड देता हूँ कि भाई तेरे को जल्दी है तू जा, बट नॉट गिविंग साइड इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू, वो गलत बात होती है, दैट इज़ इल मैनर्स, बैड रोड सेंस है वो। हाँ सुता पटम सुज घूम आए हैं हम सुबह सुबह जाके अपने को डाउन, और सब बढ़िया था, आगे थोड़ा सा हम ऑफ रोड भी कराए, गाड़ी गंदी कर लाए, अब उसको धुलवाना पड़ेगा। मौसम अच्छा है, मौसम ज़बरदस्त है, थोड़ा हम सोचते हैं सोनीपत में दादा के भटूरे बड़े फेमस हैं, तो फिर खा के आएंगे, आज 4-5 साल हो गए रहते हुए, अभी तक गया नहीं गया उधर, क्यों वो 10 बजे उठ जाता है, पता नहीं 12 बजे खत्म हो जाते हैं उसके, हो जाता है 12 बजे तक हम फ्री नहीं होते। अगर भटूरे या पकोड़े देखने तो नेक्स्ट ब्लॉग में आइएगा। Guys, that would be all from my side. It's Sushna. Take care. Bye-bye. Keep watching. Do like and share. Tell me how you like my vlogs. Keep watching. Love you guys. Bye-bye. My voice is quite low, so guys, love you. Love you a lot. ढेर सारा भर भर के ले जाओ, प्यार बहुत है।